हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग दो वीडियो पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में पढ़े थे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसके बाद हम लोग पढ़े प्रोजेक्शन पॉइंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो उसका कैसे हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे वो पढ़े थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता दिए थे, तो आज हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का देखेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट को पहले पढ़ेंगे उसका बेसिक चीज, उसके बाद उसको एनिमेशन में देखेंगे कि एनिमेशन में कैसे होता है। तो बेसिक चीज से बता दिए थे क्वाड्रेंट कैसे होता है, कौन सा रोटेशन होता है, कौन सा वर्टिकल प्लेन होता है, कौन सा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, क्वाड्रेंट कैसे होता है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सब बता दिए थे। और नहीं देखे हैं वीडियो तो ये ऊपर में आई बटन का एक लिंक होगा, आई बटन ऊपर में रहता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे ये चीज मिल जाएगा आप लोगों को। और आप लोग अगर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। देखिए ये है हम लोग का क्या, ये था हम लोग का क्वाड्रेंट था। क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये था, सेकेंड क्वाड्रेंट ये था, सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, और ये कौन सा था, थर्ड था, और ये फोर्थ है। अब देखिए इसमें जो पॉइंट था फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हम लोग पढ़ लिए थे, ये हम लोग का क्या वर्टिकल प्लेन है और ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो इसका हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ लिए थे। यहाँ ऐसे फ्रंट व्यू बनता है और इसका टॉप व्यू नीचे बनता है, और मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए लिखे हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि फ्रंट व्यू को हमेशा जब ये फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा तो इसको ए डैश लिखेंगे, और जब ये नीचे बनेगा टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा टॉप व्यू, और इधर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू, और यहाँ इसको देखेंगे तो ये यहाँ दिखेगा ए टॉप व्यू दिखेगा। और जब इसको रिफरेंस पे हम लोग ऐसे मान लीजिए ये कौन सा लाइन है, ये रिफरेंस लाइन है, रिफरेंस लाइन से ये कुछ डिस्टेंस ऊपर पे क्या बन रहा था, ए डैश बन रहा था, इसका बताया थे। मान लीजिए ये कहाँ बन रहा है, यहाँ ए डैश है और ये ए है, ये टॉप व्यू है, और ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और बोले क्या थे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब इसको रोटेट करेंगे इस साइड इसको, तो ये पॉइंट कहाँ था, ये पॉइंट ऐसे घूम के कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे इतना डिस्टेंस कहाँ, ये नीचे घूमेगा, तो इतना डिस्टेंस कहाँ ये जाएगा, नीचे, मतलब कि ये ए हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही हम लोग का प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ए डैश यहाँ पे और ए यहाँ पे, मतलब ए डैश ये कौन सा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ए, मान लेते हैं ये एच डैश डिस्टेंस है, और ये वाला जो डिस्टेंस था ये वाला, वो एच डिस्टेंस नीचे जा रहा है, वो देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना था एच, ये वाला एच है डिस्टेंस, और ये वाला कितना डिस्टेंस था, ये वाला एच डैश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका बन गया प्रोजेक्शन, ये हो गया फर्स्ट था हम लोग का। इसका एनिमेशन बता दिए थे, इसका एनिमेशन दिखा दिए थे, तो इसका एनिमेशन आज नहीं दिखेगा, आज सेकेंड वाले का दिखेगा और थर्ड वाले का दिखेगा। देखिए अब अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब कि पॉइंट हम लोग क्या किए यहाँ ले आए, यहाँ कहने का मतलब कि ये ए है और ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। बताया थे कि वर्टिकल प्लेन के पीछे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव है, मतलब वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव है, ये ए डैश है। और देखिए यहाँ ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये कितना दूर पे है, ये इधर मान लेते हैं ये इधर ए डिस्टेंस पे है, और यहाँ ओरिजिन से ऊपर ये कितना डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे। अब देखिए जब इसको हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे इसका ना, तो देखिए इधर से देख रहे हैं, इधर से ही फ्रंट व्यू यहां से देखेंगे, फ्रंट व्यू इधर से देखेंगे तो ये वाला किधर जाएगा, ये इधर तो कहीं रिफरेंस है नहीं, इस साइड कहीं रेफरेंस नहीं है, तो इस साइड तो प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, तो ये कहाँ प्रोजेक्शन आएगा, इसी जगह पे ये प्रोजेक्शन आएगा। जब इस जगह पे प्रोजेक्शन आएगा तो ये ए था, मतलब इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू वहीं पे बनेगा। ये रेफरेंस लाइन ऐसे ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन लिए तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, कुछ ये बी डिस्टेंस ऊपर बनेगा, यहाँ ए डैश ये फ्रंट व्यू है, और जब टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो देखिए जब ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, इसी लाइन पे, इस पॉइंट पे बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब देखिए यहाँ बनेगा तो ये जो ए डिस्टेंस है, हम बोले क्या थे कि ये 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा 90 डिग्री रोटेट होता है,
जैसे ही ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये प्लेन कहाँ चल जाएगा, ऐसे ऊपर चल जाएगा। और यहाँ कहाँ आया था, यहाँ आया था तो ये नीचे आ गया था, और अब इस पे आया तो ये रोटेट होगा तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा। मतलब कि ए डैश भी ऊपर ही रहेगा इसका, ए डैश कहने का मतलब फ्रंट भी ऊपर ही रहेगा, ए डैश और ए भी ऊपर ही रहेगा, तो ए थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि वो डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। मतलब कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रिफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ देखिए ए ए यहाँ था, यहाँ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस रिफरेंस लाइन से ए हो जाएगा, और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये बी। देखिए कैसे किए, और यही है हम लोग का इसका, ऐसे मिला देते हैं यहाँ से डॉटेड, और यही है हम लोग का प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या किए हम लोग, किए क्या थे कि पॉइंट को हम लोग ले गए थे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब इधर से हम लोग देखे हैं फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू कहाँ बना, यहाँ बना। जब ऊपर से देखे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कहाँ बना, यहाँ बना। तो फ्रंट व्यू तो अपना फ्रंट व्यू ऊपर में लिख दिए ए डैश, और बचा टॉप व्यू, टॉप व्यू यहाँ बना, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेनों को जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये डंडा कहाँ चल जाएगा, ये लकड़ी ऐसे ये ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू। तो वही लिखे यहाँ पे बना टॉप व्यू, और ये डिस्टेंस अब ए डैश था और एगो बी डैश था। जिसको बड़ा लेना चाहते हैं बड़ा ले लीजिए, जिसको छोटा लेना चाहते हैं छोटा ले लीजिए, तो ऊपर नीचे बनेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर रिफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, और टॉप व्यू रिफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। ये पूछेगा एग्जाम में कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फ्रंट व्यू रिफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट वाला देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों कहां बना, दोनों ऊपर में ही बना, रिफरेंस लाइन के ऊपर में ही बना, ठीक हुआ। और देखिए थर्ड में क्या है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, सेकेंड था ये और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब ले आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट यहां ऐसे है। थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब कि ये हम लोग का एचपी है और ये हम लोग का वीपी है, और पॉइंट यहाँ है। और देखिए पॉइंट यहाँ है तो हम लोग कहाँ देखेंगे, इसी साइड से देखेंगे, इसी साइड से, इस साइड से देखेंगे। तो इसका इसको मान लेते हैं बी, तो फ्रंट व्यू कहाँ आके बनेगा, यहाँ फ्रंट व्यू इस लाइन पे बनेगा वर्टिकल प्लेन पे, मतलब यहाँ बनेगा बी डैश। और इसका जब टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू ये कहाँ जाके बनेगा, ये टॉप व्यू इससे यहाँ आके बनेगा, यहाँ इस पॉइंट पे। जैसे टॉर्च मारेंगे तो कहाँ कहाँ जाए, आप लोग खड़ा रहते हैं और दूसरा कोई टॉर्च मारता है तो आपके पीछे ही तो प्रोजेक्शन बनता है। मतलब इमेज प्रोजेक्शन, मतलब नहीं समझ में आ रहा, इमेज इमेज मतलब छाया, छाया जो बनता है ना वही है शेडो, वही है प्रोजेक्शन। और ये बी कहाँ जाएगा, बी यहाँ एचपी पे जाएगा। और ये एचपी प्लेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन खुलेगा, 90 डिग्री पर रोटेट होगा, मतलब ये रिफरेंस लाइन है, और रिफरेंस लाइन के नीचे का बना कुछ डिस्टेंस पर बी डैश बना, बी डैश कहने का मतलब फ्रंट व्यू बना। और ऊपर में जब ये रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, कुछ ऊपर में जाएगा, ये रोटेट होगा ऐसे, रोटेट होगा तो ये कुछ डिस्टेंस ऊपर में जाएगा, और इसी के सामने इस पॉइंट जहां है इसी के सामने ऊपर में बनाते हैं बी। मतलब टॉप व्यू कहाँ बनेगा, अभी ऊपर में, और फ्रंट व्यू नीचे में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, टॉप व्यू नीचे बना था और फ्रंट व्यू ऊपर बना था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों डिफरेंस हो गए। इस लाइन को बोलते हैं रिफरेंस लाइन, रिफरेंस लाइन, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत रिफरेंस लाइन को। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐसे वो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे लाइन खींचे, क्वाड्रेंट बनाया, फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। यहां जैसे ही रखे तो देखिए ये फ्रंट व्यू इधर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा, यहां बनेगा। और जब टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू कहां बनेगा, इस पे आके बनेगा। और ये हम लोग का क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये हम लोग का क्या है, वर्टिकल प्लेन है, ये हम लोग का वर्टिकल प्लेन है। और हमेशा हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन खुलता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ओपन होता है, रिफरेंस लाइन ये है, और इसका नाम दे देते हैं बी। मतलब फ्रंट व्यू कहाँ बना, यहाँ पे बी डैश यहाँ बना, और टॉप व्यू कहाँ बना, यहाँ पे। मतलब कि बी डैश कहाँ, कुछ डिस्टेंस नीचे बना बी डैश, और देखिए बी यहाँ पे बना है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन खोलेंगे तो ये लाइन नीचे आएगा, नीचे आएगा, और ये जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना डिस्टेंस कहाँ जाएगा, नीचे। मतलब रोटेट हो गए कहीं यहाँ आ जाएगा, तो बस इसको कहीं यहाँ ऐसे लिख देते हैं बी। ये हम लोग का फ्रंट व्यू है, सॉरी ये हम लोग का बी टॉप व्यू है, और बी डैश फ्रंट व्यू है, और ये हम लोग ऐसे रिफरेंस लाइन से
मिला दिए हैं, ये पॉइंट इसको थोड़ा बड़ा मार्क कर दीजिएगा और एक कौन ये पॉइंट है, और यहां से यहां तक जो अपना जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपना दिया हुआ रहता है। तो बस यही था इसमें कि प्रोजेक्शन कैसे कैसे बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तब कैसे होगा, सेकेंड में रहेगा तब कैसे होगा, थर्ड में रहेगा तब कैसे होगा, फोर्थ में रहेगा पॉइंट तब कैसे होगा। क्या किए देखिए, फोर्थ में ये हम लोग का क्या था, क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट में फोर्थ में एक ऐसे इमेज रख दिए, सॉरी कोई पॉइंट रख दिए, इस पॉइंट को इधर से देख रहे, इधर से टॉर्च मारे, तो इधर से टॉर्च मारे का मतलब इधर सामने से मार रहे हैं, सामने से टॉर्च मारे तो ये सामने से जाके यहाँ ऐसे इसका इमेज बना, इस पॉइंट का छाया कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो ये कौन सा फ्रंट भी हो जाएगा। और जब ऊपर से मारेंगे टॉर्च तो ये नीचे जाएगा, मानते हैं नीचे जाएगा, लेकिन नीचे तो जगह नहीं है कहूँ इमेज बनने का, मतलब छाया कहाँ बनता है, कोई जब तक ला उसका पीछे कोई वस्तु है नहीं रखा हुआ रहेगा तब तक ला तो छाया बनेगा नहीं ना, और उप वस्तु नहीं है तो उसका मतलब जमीन पे छाया बनेगा, क्योंकि जमीन भी एक प्रकार का मैटर है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको ऊपर लेके ऊपर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ऊपर में हम लोग का फ्रंट व्यू दिखेगा, और ये हम लोग का फ्रंट व्यू भी है। और जब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम लोग धर के क्या करते हैं, मोड़ते हैं, धर के ऐसे मोड़ेंगे ना तो फिर ये जो ये पॉइंट यहाँ बना वो पॉइंट कहीं रोटेट होके इधर कहीं आएगा, और यही हम लोग का बी कहलाएगा टॉप व्यू, वही यहाँ किए हैं वही बनाए, ये हम लोग का रिफरेंस लाइन है और ये हम लोग का नीचे फ्रंट व्यू है और यहाँ पे टॉप व्यू है। ठीक है, ये तो था आप लोगों को थ्योरी टाइप का, मतलब ये थोड़ा समझा दिए, और इसी का आप लोगों को एनिमेशन दिखेगा, तो एनिमेशन वीडियो देखिए, एनिमेशन लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा। थ्योरी के साथ साथ एनिमेशन, थ्योरी के साथ साथ एनिमेशन बहुत जरूरी है ड्राइंग में, और ड्राइंग में अगर जब तक एनिमेशन आप लोग नहीं देखिएगा ना तब तक नहीं समझ में आएगा, इसलिए जो भी एनिमेशन दिखा रहे हैं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ऐसे ही फालतू में दिखा नहीं रहे हैं, वो आप ही लोगों को फायदा के लिए दिखा रहे हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये फ्री का क्लास है, अगर यही चीज आप लोग जाइएगा ना कोई ट्यूशन में पढ़ने या कोई पढ़ाएगा अगर सामने ना तो टेक्निकल बोल रहे हैं, ये टेक्निकल है, कोई जनरल नहीं है, जनरल कॉम्पिटिशन नहीं है कि 1000-2000 में आप लोग को ये सब बता देगा, इसी को लेकर जाइएगा ना पढ़ाने तो इसी को मांगेंगे 5000 रुपया। ये हम लोग सब किए हैं इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं, ये बहुत, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में घुसता नहीं है ये, और हर एक स्टूडेंट के दिमाग में घुसाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार देखिए वीडियो और दिमाग में घुसाइए, और जो भी बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं अगर ऐसे नहीं समझ में आता है ना तो आप लोग कागज बना लीजिए ना, कागज में ऐसे लकड़ी ले लीजिए, एक यहाँ ऐसे ले लीजिए और एक लकड़ी ऐसे ले लीजिए, और इसको यहाँ रबर से बांध दीजिए, इस बार एक पॉइंट यहाँ रखिए, एक बार यहाँ रखिए, एक बार यहाँ रखिए, एक बार यहाँ रखिए, और जब रबर रहेगा तो ये हम लोग का क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये तो हमेशा इधर घूमते ही रहेगा, 90 डिग्री घूमते रहेगा, और जैसे जैसे घूम रहा हो वैसे वैसे तो इसको प्रोजेक्ट करना है, बस इसमें थोड़ी ना ज्यादा कुछ करना है। और एनिमेशन देखिए, एनिमेशन समझ में आ जाएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके लड़के लोग अगर आएंगे तो फिर बेटर रहेगा। और ये आप लोग का जो ड्राइंग है वो ड्राइंग शाम को 6 बजे लाइव चलती है, तो शाम को 6 बजे लाइव आ जाइए, और ये ड्राइंग आप लोग को एक दिन गैप करके मिलता है, जैसे आज अपलोड हो रहा है तो कल नहीं होगा, फिर परसों होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है सब एनिमेशन बनाने में, प्लस में ये सब थ्योरी बनाने में टाइम टेकन है ये, इसी के चलते इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, बस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में इतना ही पढ़ना है, और एंगल वाला भी है, एंगल वाला भी इसमें दे सकता है कि इतना डिग्री से इतना रोटेट, इतना डिग्री पे कोई पॉइंट रखा हुआ है तो वो भी बताएंगे, लेकिन वो जनरली आप लोग का सिलेबस में है नहीं, सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा पढ़ के भी क्या कीजिएगा, इतना ही पढ़िए। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, एनिमेशन देखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Let's learn about projection of a point in the second quadrant. Point A is situated above the horizontal plane and behind the vertical plane. This means that point A is situated in the second quadrant. The observer sees the front view of point A as A dash. And the top view of point A as A. Projections are drawn by connecting point A
to A dash. After rotation of the horizontal plane. Note. XY line is intersection of horizontal plane and vertical plane. Vertical plane and horizontal plane both are above XY line. The front view of the point, denoted by A dash, is above XY. The top view of the point, denoted by A, is also above XY. From pictorial view, you will understand that H is the distance of point A from horizontal plane. So, A dash, O equals to A equals to H. Similarly, D is the distance of point A from vertical plane. So, A, O equals to A dash equals to D. In the third quadrant. Point A is situated below the horizontal plane and behind the vertical plane. This means point A is situated in the third quadrant. The observer sees the front view of point A as A dash and the top view of point A as A. Projections are drawn by connecting point A to A dash. After rotation of the horizontal plane. Note, XY line is intersection of horizontal plane and vertical plane. Above XY line is horizontal plane and below XY is vertical plane. The top view of the point, denoted by A, is above XY. The front view of the point, denoted by A dash, is below XY. From pictorial view, you will understand that H is the distance of point A from horizontal plane. So, A dash O equals to A equals to H. Similarly, D is the distance of point A from vertical plane. So, A, O equals to A dash equals to D. Projection of a point in the fourth quadrant. Point A is situated below the horizontal plane and in front of the vertical plane. This means point A is situated in the fourth quadrant. The observer sees the front view of point A as A dash and the top view of point A as A. Projections are drawn by connecting point A to A dash. After rotation of the horizontal plane. Note, XY line is intersection of horizontal plane and vertical plane. Vertical plane and horizontal plane both are below XY line. The front view of the point, denoted by A dash, is below XY. The top view of the point, denoted by A, is also below XY. From pictorial view, you will understand that H is the distance of point A from horizontal plane. So, A dash, O equals to A equals to H. Similarly, D is the distance of point A from vertical plane. So, A, O equals to A dash equals 2.